देश में नाबालिग लड़कियों के साथ दुष्कर्म के मामले आए दिन प्रकाश में आ रहे हैं। ताजा मामला मध्य प्रदेश के हरदा से सामने आया है। बीते शुक्रवार को पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने नाबालिग आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म, पॉक्सो सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया, जिसके बाद आरोपी को अरेस्ट कर लिया गया है। मध्य प्रदेश के हरदा इलाके की एक नाबालिग लड़की और एक नाबालिग लड़के की इंस्टाग्राम पर दोस्ती हुई थी, जिसके बाद लड़के ने शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इतना ही नहीं, उसका आपत्तिजनक वीडियो बना लिया और नाबालिग लड़की को बार बार ब्लैकमेल कर उस वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर 2 लाख रुपए भी लूट लिए। परेशान लड़की ने जब पूरी बात परिवार को बताई तो वे लोग थाने गए और शिकायत दर्ज कराई। इस पूरे मामले में दिलचस्प बात तो ये है कि रेप की घटना को अंजाम देते वक्त वो लड़का नाबालिग था। 6 जनवरी को भी जब केस दर्ज कराया गया तब लड़का नाबालिग ही था, लेकिन 7 जनवरी को जब उसकी गिरफ्तारी हुई उस दिन आरोपी का 18वां जन्मदिन था और अब वो बालिग हो गया था। ऐसे में पुलिस का कहना है कि फिलहाल तो उसे किशोर न्यायालय में ही पेश किया जाएगा। अब आरोपी 18 साल का हो गया है तो इस संबंध में जानकारी ली जाएगी और आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने यह भी बताया है कि आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट सहित दूसरी धाराओं में केस दर्ज है, जिस पर कार्यवाही होनी है।